काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे ही रखते हैं। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन SUN को EJC, ध्यान दीजिएगा, सन SUN को ECJ लिखा जाता है तो पैट PAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताए PAT को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, SUN ECJ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। देखिए एस कितने नंबर पे आता है, 19 पे, ध्यान दीजिएगा, एस कितने पे आता है, 19 पे। यू कितने पे आता है, 21 पे। एन कितने पे आता है, 14 पे, ध्यान दीजिए। ई कितने पे आता है, 5 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में अभी आएगा। देखिए 5, 3, 10, 19, 21, 14, क्या क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखिए अगर हम 1 और 9 को जोड़े तो ये क्या होगा, 10। 2 और 1 को जोड़े तो क्या होगा, 3। 1 और 4 को जोड़े तो क्या होगा, 5। अब देखिएगा 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, समझ रहे हैं आप लोग, किया क्या है, कैसे लिखा है, समझ में आ रहा है। देखिए अब आप लोगों को समझाते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए एस कितने पे आता है, 19 पे, और देखिए 9, 1, 10, 10 का मतलब क्या होगा, जे, ध्यान दीजिएगा। यू कितने पे आता है, 21 पे, तो 2, 1, 2, 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब सी। एन कितने पे आता है, 14 पे, 1, 4 जोड़ेंगे, 1, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, समझ रहे हैं। ई कितने पे आता है, 5 पे, ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए एक बार और समझाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादातर संभावना है। देखिए एक बार और समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, एस कितने पे आता है, 19 पे, यू कितने पे आता है, 21 पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे। तो देखिए 9, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, 2, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, और 1, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। तो ये क्या लिखा है, 10, 3, 5 है, तो ये 5 पे कौन आता है, 5 पे आता है ई, और 3 पे आता है सी, और 10 पे आता है क्या, जे, समझ रहे इस प्रकार से। तो चलिए पी कितने पे आता है, ध्यान दीजिएगा, पी आता है 16 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 अंकों वाले को 1 अंक में कन्वर्ट करिए, 1, 6 क्या होगा, 7, और ये आपका 1 है ही, और ये ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, ये 1 है, और 2, 0 क्या होगा, 2। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले 2 पे क्या आएगा, बी, ध्यान दीजिएगा, ए पे पहले नंबर पे क्या आएगा, ए, यानी कि 1 नंबर पे क्या आता है, ए, और यहाँ पे 7 पे कौन आता है, जी, तो इसका आंसर होगा BAZ, बैग, क्या होगा, BAZ, ऑप्शन नंबर होगा सी, बताएं समझ में आया कि नहीं।